सोहे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 13 के कुछ नए एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में, क्योंकि MIUI 13 अगले महीने शायद ऑफिशियली चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो चलिए देख लेते उसके अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो पहले की तरह ही यहाँ पर कुछ लीक्स निकल के आई है, जिसके अंदर गाइस यहाँ पर लिखा है MIUI 13 विल बी ब्रिंग सम एक्साइटिंग न्यू फीचर्स लाइक जेस्चर टर्बो 2.0। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेस्चर टर्बो 2.0 का मतलब ये नहीं है कि भाई गेम टर्बो का दूसरा वर्जन पहले से ही रिलीज हो चुका है। शायद आपको MIUI 13 के अंदर गेम टर्बो का तीसरा वर्जन देखने को मिलेगा, पर फिलहाल के लिए ये फीचर है वो जेस्चर टर्बो 2.0 है, यानी कि आपको बबल फीचर देखने को मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर स्लाइड बार का सपोर्ट भी MIUI 13 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से गाइस जेस्चर बार को यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है और कुछ नए फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसको आप जेस्चर 2.0 या फिर जेस्चर टर्बो 2.0 बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात की जाए दूसरे फीचर की, तो यहाँ पर ब्रांड न्यू स्मॉल विंडो का फीचर आपको देखने को मिलेगा। ये गाइस हमारे फोन के अंदर पहले से ही आता है, जिसको आप फ्लोटिंग विंडो बोलते हैं, पर फ्लोटिंग विंडो कुछ फोन के अंदर वर्क नहीं कर रहा है और कुछ एप्स के अंदर आप फ्लोटिंग विंडो का यूज नहीं कर सकते। तो शायद उन सभी एप्स के अंदर आप उन एप्स को फोर्स कर पाएंगे मल्टी विंडो के अंदर और फ्लोटिंग विंडो को यूज करने के लिए। तो इस तरीके से गाइस आपको ब्रांड न्यू स्मॉल विंडो का फीचर भी MIUI 13 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर तीसरा फीचर निकल के आता है न्यू कंट्रोल सेंटर। अभी दोस्तों MIUI 12.5 से MIUI 13 के अंदर कुछ इस तरीके से आपको एक बढ़िया सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देखें तो ब्राइटनेस स्लाइडर को यहाँ पर नीचे से ऊपर किया गया है। साथ में एप्पल आईफोन की तरह ही आपको अभी वॉल्यूम कंट्रोल सेंटर के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साइड में ही आपको ब्राइटनेस स्लाइडर एंड वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। दूसरा फीचर है उसको आप नीचे एक्सेस कर पाएंगे, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप यहां से एडिट में जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड या फिर रिमूव कर पाएंगे। और दोस्तों ये साथ में एक्सपांड भी होता है, तो आप इसको स्क्रोल कर पाएंगे, एक्सपांड कर पाएंगे। और यहां पर बात की जाए स्मार्ट अप्लायंसेस की, तो अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट होम अप्लायंसेस है, तो आप मी होम ऐप के द्वारा यहां से कंट्रोल सेंटर से ही इसको मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आपको पूरा कंट्रोल सेंटर MIUI 13 का देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर की, जो है कन्वर्जेशन एक्टिव इंटेलिजेंट। तो गाइस इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, अगर आप इस फोटो को ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आता है। अभी वो फीचर कैसे वर्क करेगा उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आखिरी फीचर की बात की जाए, तो यहाँ पर लिखा है नेचुरल टच 2.0, यानी कि MIUI 13 के अंदर आपको जो टच जेस्चर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से गाइस आपको MIUI 13 के अंदर कुछ नए फीचर्स है वो देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा, कंट्रोल सेंटर अच्छा लगा या फिर जेस्चर 2.0 अच्छा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जैसे ही कोई भी दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा MIUI 13 के बारे में या फिर इसका कोई भी APK फाइल आ जाएगा, तो मैं आपके साथ उसको जरूर से शेयर कर दूंगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ।